आज मैं बनाने जा रही हूँ कॉर्न सूप। और कॉर्न सूप के लिए अस्सा हमें चाहिए। ये मेरे लिए हैं दो अंडे जो बॉईल किए हुए हैं, और ये एक अंडा है जो मैंने बॉईल नहीं किया, इसको ऐसे ही ले लिया मैंने। और ये चिकन ली है मैंने, प्याज, कॉर्नफ्लावर, ये है कॉर्न थोड़े से, ये काली मिर्च, और ये नमक, और ये लहसुन है जो कि मैंने 4 अदद लिए हैं, 4 जवे ले लिए इसके इतने बड़े बड़े। और अगर आप ये ले 4 जवे नहीं, मतलब नहीं हो आपके पास, तो आप अदरक लहसुन जो होता है पिसा हुआ आपके घर में जो रखा होता है वो आप ले सकते हैं। सिर्फ लहसुन भी ले सकते हैं और अदरक लहसुन भी ले सकते हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे मैंने इसमें प्याज भी रखी है, लहसुन भी रखा है, तो मैं आपको बताती चलूँ, मैं कॉर्न सूप बनाने से पहले मैं चिकन की यखनी टाइप बनाऊंगी, फिर उसके बाद मैं उसका कॉर्न सूप बनाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखें, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत यूनिक रेसिपी है ये, कि बिल्कुल मेरे स्टाइल में रेसिपी है। चिकन ऐड कर रही हूँ, मैंने 2 बड़ी बड़ी बूटियाँ ली हैं, ये देसी चिकन है जो मैंने घर में ही, मतलब हमने घर में ही लिए है, ये घर से ही लिए है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये लहसुन के जवे और ये प्याज, और ये हल्का सा मैं नमक डालूंगी इसके अंदर, यखनी के अंदर, और इसको मैं बॉइलिंग पे छोड़ दूंगी। जब चिकन गल जाएगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ उसके बाद करना क्या है। अब हम चिकन गलने का वेट करेंगे। सो व्यूअर्स, अब हम देखेंगे हमारी यखनी कैसे तैयार हो गई। और ये देखिए, यखनी बिल्कुल रेडी है, चिकन गल चुकी है, और इसका आप कलर भी देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा है। देखें इस तरह की यखनी तैयार हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, पानी अलग कर लेंगे और चिकन के रेशे अलग कर लेंगे, ठीक है। सो व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने चिकन बॉईल करके इसके रेशे कर लिए हैं, और यखनी अलग अलग ही रखी हुई है, वो यखनी वो मैंने पकने रखी हुई है यखनी। और ये मैंने अंडे भी बॉईल कर लिए हैं, और अब मैं यहाँ पर आपको कॉर्न फ्लावर गोलूँगी यहाँ पर इस तरीके से, ये देखें, स्पून के अंदर से मैं 7 to 8 टेबल स्पून मैंने यहाँ कॉर्न फ्लावर ऐड किया है, ठीक है। और अब मैं इसे थोड़े से पानी से घोल लूँगी ताकि इसके कोई जो पार्टिकल्स हैं वो बने ना, और फिर वो बहुत बुरे लगते हैं। बहुत अच्छी तरीके से इसको हम घोल लेंगे, इसकी जितनी भी गुठलियाँ हैं हम बिल्कुल इसको डिसॉल्व कर लेंगे। ये देखें, इस तरह के पार्टिकल्स ना हो, और अब हम इसे बिल्कुल अच्छे से घोल लेंगे। ये देखें, मैंने इसको अच्छे से घोल लिया है, और अब मैं यखनी की तरफ आती हूँ और आपको बताती हूँ क्या करना है हमें। सो व्यूअर्स, ये देखें, यखनी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए जी, मैंने इसमें जो मैंने प्याज और वो डाला था वो सब छान लिया, और ये देखें सिर्फ ये यखनी बची, और यहाँ मैंने चिकन के वो कर लिए थे रेशे, और अब मैं ये कॉर्न डाली हूँ इसके अंदर ताकि कॉर्न अच्छे से हल्के से पक जाए इसके अंदर। और मैं आपको एक नेक्स्ट, मतलब ये हरी मिर्चें जो है मैंने आपको इंग्रीडियंट्स में नहीं बताई थी, लेकिन ये कुछ लोग डालते हैं कुछ लोग नहीं डालते हैं, लेकिन मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी स्पाइस के लिए, तो मैं थोड़ी सी डालूँगी। बाकी मैं यखनी में, बाकी मैं सिरके में ऐड कर दूँगी हरी मिर्च जो बची हैं, मैंने थोड़ी सी इसके अंदर हरी मिर्च डाल दी है, और इसको हम पकाएंगे। जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा फिर हम बताएंगे क्या करना है। सो व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने इसको, जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आया तो इसको लो फ्लेम कर, और ये देखें इसको देखें, और अब मैं इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी, चलाती जाऊंगी, ऐड करती जाऊंगी इस तरीके से ताकि कहीं पर भी गुठलियाँ ना बने इसकी, अच्छे से ये पक जाएगी। देखिए, स्लोली स्लोली डालती जाऊंगी, और मैं इसको
उसके अंदर गाढ़ापन आना शुरू हो गया। ये अभी और गाढ़ा हो जाएगा, पक पक के और गाढ़ा हो जाएगा। ये इसको हम चलाते जाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाए, कोई पार्टिकल्स ना बने इसके अंदर। सो व्यूअर्स, ये देखें बिल्कुल ये गाढ़ा हो चुका है बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन इसको पकाएंगे ताकि हमारा जो कॉर्न का है वो अच्छे तरीके से पक जाए। और कॉर्न जो है इसके अंदर बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं आप डालें, और अगर आपको अच्छे नहीं लगते तो नहीं डालें, बिल्कुल सादा रख लें। और अगर आपको हरी मिर्च नहीं डालनी तो नहीं डालें, बिल्कुल सादा इस तरह प्रोसीजर कर लें आप। बिल्कुल सादा यखनी के अंदर ऐसे कॉर्नफ्लावर सादा घोल लें। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर हरी मिर्च और कॉर्न डालें, आपको अगर सूटेबल लगता है, आपको अच्छा लगता है तो आप डालें। वरना ये नहीं, कितना गाढ़ा हो चुका है, बहुत अच्छे तरीके से गाढ़ा हो गया है और ये पकता जाएगा। अभी फ़िलहाल ये 5 से 10 मिनट हम इसको और पकाएंगे ताकि और गाढ़नेस आ जाए इसके अंदर। सो व्यूअर्स, ये देखें सूप हमारा तकरीबन रेडी है। और अब हम इसके अंदर एग को फेंट कर, यानी अंडे को फेंट कर डालेंगे और चलाते जाएंगे जल्दी जल्दी, ओके, पार्टिकल्स के जल्दी जल्दी हो जाएंगे, जल्दी जल्दी चलाएंगे। और ये देखें आ गया सूप जैसा टेक्सचर, का लुक देखें कितना प्यारा और कितना ज़बरदस्त लुक आया इसका, बिल्कुल रेडी हो चुका है। कितना खूबसूरत और कितना यूनिक लग रहा है। और अब हम इसमें चिकन के रेशे डालेंगे। मैं यहाँ थोड़े थोड़े करके डालूंगी ताकि ये गुठलियाँ ना बने। और ये देखिए थोड़े थोड़े करके डाल दूँ इसके अंदर, थोड़े थोड़े करके डालती जाऊंगी और चलाती जाऊंगी। चाहे तो आप सर्विंग के टाइम थोड़ा थोड़ा डाल के चिकन की डिश दे सकते हैं, लेकिन मैं डाल के ही पकाऊंगी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और दाल में भी डाल के ही रेशा आ जाता है आराम से। ये देखिए दाल रेशे में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और अब मैं इसको चला रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से रेशे मिक्स हो जाए। व्यूअर्स, ये देखिए हमने अंडा डाल के इसको पका लिया है और नमक हम इसमें पहले ही डाल चुके थे यखनी में, ठीक है। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप और डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इतना ही बहुत था जो मैंने डाला था, 1 टेबल स्पून यखनी के टाइम। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ काली मिर्च। सो व्यूअर्स, अब हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे और काली मिर्च ऐड करने के बाद हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि काली मिर्च अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और इसके बाद हमारा सूप रेडी है और अब हम इसकी सर्विंग करेंगे। व्यूअर्स, ये देखें मज़ेदार सा सूप रेडी है गर्मा गर्म। और इसके साथ मैंने लिया है ये सॉसेस और ये मैंने सिरके में हरी मिर्च ऐड कर दी है, देखें मैंने आपको पहले भी बताया था। और यहाँ मैंने चॉप अंडे कर लिए हैं बॉयल हुए हुए और ये थोड़ी सी चिकन है। और अब मैं आपको सर्व करना दिखाऊंगी कैसे सर्व करते हैं। अब मैं इसको सर्व करूंगी इस बाउल में। इस बाउल में ऐड करती जाऊंगी मैं और आपको सही से सर्विंग बताऊंगी इसकी अच्छे सी। बहुत देखें इसको फौरन कवर करेंगे क्योंकि ये ठंडा अच्छा नहीं लगता, गर्म अच्छा। सो व्यूअर्स, इसके अंदर देखिए मैंने चिकन के रेशे ऐड कर दिए हैं। अब बॉयल एग ऐड कर रही हूँ, सब जगह मैं बॉयल एग जो है डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए। और बॉयल एग सूप में बहुत ज़बरदस्त लगता है। अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं सिरका, जो मैंने हरी मिर्चों में डाल के रखा था सिरका, वो मैं थोड़ा थोड़ा डालूँगी। अगर टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप लोग यूज़ करना चाहें ज़्यादा तो ज़्यादा ही आप डाल दें, और अगर कम यूज़ करना चाहें तो कम यूज़ कर लें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिली सॉस। चिली सॉस डालने के बाद तकरीबन हमारी सर्विंग कंप्लीट हो चुकी है और ये बहुत ज़बरदस्त सूप होता है, इसको ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं रेसिपी कैसी लगी और शेयर भी करें।